सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ ग्रैंड आरपी। और आज के इस एपिसोड में हम कुछ अलग करने वाले हैं बेसिकली। हाँ, आज के एपिसोड में भी फेस कैम नहीं है यार, मैं क्या करूँ, एक बार ठीक हो जाएगा ना इसी फिर मैं फेस कैम करता हूँ। बाकी यार, अभी आज के एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, क्योंकि आज हम जाएंगे कायो पेरिको आइलैंड। जी हाँ, मेरे को पता नहीं था कि इसमें कायो पेरिको है, बट जब मेरे को पता लगा मैंने सोचा एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे एंड हम जाके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या करना है कि हम यहाँ से एंट्री लेंगे, और जहाँ से हमने पायलट वाली जॉब थी ना, वहीं से हमें कायो पेरिको आइलैंड जाने का भी रास्ता मिलेगा। तो एक बार मैं ट्राई करता हूं। तो यहां पे जब हम ई दबाते हैं ना, तो यहां पे ऑप्शन आता है आई वांट टू गेट टू द आइलैंड। अब ये देखते हैं, ये मेरे को एक बार ट्राई करना है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूं। नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, ईस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट। तो मेरे हिसाब से मैं इसमें साउथ पॉइंट चूज करके देखता हूं। $5,000 लगेंगे, मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। और मैं यहां पे आ गया हूं बेसिकली। अब मैं देखना है कि मैं कहां पे हूं, एंड मैं आ गया हूं कायो पेरिको आइलैंड पे। भाई साहब सीधा टेलीपोर्ट हुआ हूं, तुम देख रहे हो। मतलब मुझे लगा था कि फ्लाइट की एनिमेशन आएगी जैसे जीटी ऑनलाइन में आती है, ऐसा कुछ होगा नहीं भाई, सीधा टेलीपोर्ट। आई वांट टू रेंट एन एटीवी। ठीक है, इस आइलैंड को ऐसा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और एक बार एटीवी ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे गार्ड्स वगैरह होंगे क्या जैसे मेन गेम में हुआ करते थे, मुझे लगता नहीं वैसे। चलो फिर भी देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है करने को। तो यहाँ पे वो बेसिकली वॉच टावर्स है, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ है नहीं अभी, मतलब मेरे को कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा। इस आइलैंड की खास बात ये थी कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा थी, लगता था कि फार क्राई खेल रहे हो तुम। और आगे देखते हैं भाई सब क्या हो रहा है। यहाँ पे फार्मिंग चल रही है क्या बॉस? ओ कुछ अलग ही सीन है भाई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई एनपीसी भी नहीं दिख रहा और ना ही कोई बंदा दिख रहा है। घर से बने हुए शेड्स हैं, शायद घर भी नहीं है। ऐसा करते हैं, एल रूबियो का जो घर था ना, बंगलो जो मेंशन था उसका, एक बार वहां पे जाके देखते हैं बॉस। एंड भाई मैं यहाँ पे इसके मेंशन पे आ गया। यहाँ पे हम अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, अपना ही है। यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ है भी यहाँ पे करने को। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा तो है एनपीसी। अच्छा ये भी कोई प्लेयर है शायद। हेलो, हाउ आर यू? एक बार इससे बात करके देखता हूँ। हेलो 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 हेलो। अरे तू जा रही भाई? पता नहीं बंदा कुछ बोल नहीं रहा। तो मैं चलो, मुझे लग रहा है ये हम घर यहाँ पे खरीद वरीद तो नहीं सकते। $100-150 million का होगा कम से कम, बल्कि ज्यादा कहीं शायद। अच्छा यहाँ से एंट्री पॉइंट है, एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं। हाउसेज है यहाँ पे, ओ बेटे की, यहाँ पे तो हाउसेज है भाई। गैलेक्सी फैमिली को बिलोंग करता है, $100 million की वैल्यू है भाई साहब इसकी। 32 डेज का इंश्योरेंस भी हो रखा है, हम अंदर तो जा ही नहीं सकते हैं। जा सकते हैं, अरे वहां अंदर से देख के आते हैं। अच्छा ये तो नॉर्मल वही है, कोजी इंटीरियर है ये तो। अच्छा अंदर से तो कुछ खास नहीं है ऐसा, मतलब वही नॉर्मल अपार्टमेंट जैसे होता है वही है ये। बट कायो पेरिको पे भी इन्होंने हाउसेज बना रखे हैं, विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज टू मी। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और भी चीजें हैं क्या ऐसी? ओ ये एल रूबियो का पूरा वो एज इट इज है। चलो ये अच्छी चीज है, इसको उन्होंने खराब नहीं किया, ये एज इट इज है। इसमें उन्होंने अपना कोई अपार्टमेंट नहीं बना दिया, क्योंकि सही में काफी अच्छा लगता था। मतलब सारी चीजें वैसे की वैसे ही हैं अगर तुम देखो तो। वो भी है रेड डेड रिडेम्पशन की फोटोज जो यहाँ पे हुआ करती थी, ब्लैक पैंथर का स्टैचू भी है। चलो अब बाहर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे पैंथर है? पैंथर तो नहीं है, पैंथर गायब है। अच्छा यहाँ से तो एग्जिट है। अरे शेट, मैं पानी में गिर गया, मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? यहाँ तो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, अब तैर के जाना पड़ेगा। भाई इतना ज्यादा तैरना पड़ रहा है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। मतलब बीच मिल ही नहीं रहा जहां से मैं ऊपर चढ़ सकूं। अभी मैं नीचे से होते हुए जा रहा हूं, क्योंकि नीचे से तैरना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा इसमें भी वो ईस्टर एग्स हैं जो कि ओरिजिनल गेम में थे। ये सब चीजें ओरिजिनल गेम में हमें काफी देखने को मिलती थी। और हम ये सीधा आ रहे हैं पार्टी वाली लोकेशन पे। आपको याद होगा यहाँ पे पार्टी वार्टी चलती रहती थी भाई, लोग तो दिख नहीं रहे लेकिन आग अभी भी चल रही है। ये सही सीन है भाई, वेरी रियलिस्टिक। चलो यहाँ पे जाके देखता हूँ एक बार यहाँ पे क्या क्या, अगर यहाँ पे कुछ मिल रहा है तो। कुछ खास नहीं है भाई, सब खाली वाली सही पड़ा है। तो मैं एयरपोर्ट पे तो आ गया, यहाँ पे देखता हूँ कोई और भी घर वर है क्या। यहाँ पे ऊपर जाके क्या पता हूँ, हाउसेज नहीं यहाँ पे तो नहीं है। और यहाँ पे कोई एनपीसी वगैरह देखते हो, अगर एनपीसी मिल जाए तो उससे हमें ऑप्शन मिल जाएगा वापस जाने का। अच्छा यहाँ पे एनपीसी मिला तो है, एक बार यहाँ पे जाके देखता हूँ, हमें शायद वापस ले जाएगा। और एक मिनट, अबे ये तो वो है। हेलो मदरफकर। अब ये तो उसका राइट हैंड मैन है, तुम्हें याद होगा, एक फोटो खिंचवा ले अपने साथ। वैसे आपको देखो सामने दिख रहा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब बहुत ज्यादा पास है। मुझे लगा नॉर्मल GT5 में तो दूर होता है, बट इसमें काफी ज्यादा पास में दिखा रखा है एयरक्राफ्ट कैरियर। तैर के भी जा सकता हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो शायद FIB वगैरह होगी या फिर आर्मी होगी जो की पकड़ लेगी। तो वहाँ पे हम किसी और टाइम पे जाएंगे जब हम आर्मी वगैरह ज्वाइन करते हैं। अभी के लिए तो खैर चलते हैं मेन लैंड वापस लॉस सैंटोस में। हमने कायो पेरिको को तो देख ही लिया है। हेलो
अब मैं सोच रहा हूँ कि यार, जैसा मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इस सर्वर में फ्रैंकलिन, माइकल और ट्रेवर के घर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो क्यों ना हम वो करें। मतलब मजा आएगा, एक बार देखते हैं। माइकल के घर की लोकेशन पे जाएंगे, फ्रैंकलिन के घर की लोकेशन पे, और फिर ट्रेवर के घर की लोकेशन पे, और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें इस सर्वर में उनके घर मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, और क्या हम उनको खरीद सकते हैं या फिर नहीं। तो अभी हमारे पास ना सबसे पास में पड़ेगा फ्रैंकलिन का घर, जो कि लगभग पड़ना चाहिए इधर के आसपास। तो एक बार हम यहाँ पे जाके देखते हैं। एंड मेरे को मिल गया यार, हैरानी की बात है यार, यही तो था वो घर फ्रैंकलिन का। अरे वाह भाई, हाँ यही तो घर था, यही गैराज था। ओ खुलता है, गैराज खुलता है, यहाँ पे कोई रह रहा है। ओ नाइस, और ये पीछे गार्डन है। क्या हम इस घर के अंदर जा सकते हैं? अरे हाँ, ये तो जा सकते हैं भाई, बिल्कुल खुला पड़ा है। तो मतलब मेरे हिसाब से सर्वर ओनर्स ने, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस मेन कैरेक्टर के घर को ऐसे खुला छोड़ दिया है ताकि कोई भी आके देख पाए। तो सही है यार, बिल्कुल वैसे ही घर है, बस कोई रहता नहीं है ऑब्वियसली। और अगर खरीदने का ऑप्शन होता ना, तो भाई ये बहुत महंगा बिकता, शायद सबसे महंगी यही घर बिकते। देखो फ्रैंकलिन यहाँ पे जब चला गया था ना यहाँ से, तो इसलिए उसके यहाँ पे बेड वेड सब खाली पड़ा है। और बस ये देखना कि भाई गाड़ी किसकी है इसमें, ये गाड़ी आखिर है किसकी, गाड़ी और बाइक, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रैंकलिन की ही करके रख रखी है पार। अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से इस गैराज को ना बिल्कुल फिल कर दिया है ताकि कोई और इसमें आके पार्क ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है। सही है, तुमने देख लिया भाई फ्रैंकलिन का घर, और अब चलते एक बार माइकल के घर पे, देखते कि भाई उसके घर का इन्होंने क्या किया है। तो कायदे से यहाँ पे होना चाहिए ये वाला घर है जो कि माइकल का है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मार्क। एंड वी हैव अराइव्ड एट माइकल्स हाउस। नाइस, ये भी है और ये ओपन भी हो रहा है, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे चलो अंदर जाके देखते हैं। ये भी मुझे लग रहा है इसमें हम अंदर तो घुस ही पाएंगे नहीं। हाउस नंबर 1401। एक मिनट, किसी ने खरीद रखा है क्या? तो फिर हम इसमें अंदर कैसे घुस पाएगा किसी ने खरीद रखा है? और अगर किसी ने नहीं खरीद रखा तो इसको नंबर क्यों दे रखा है? एक बार मैं ऊपर जाके देखता हूँ कुछ चेंज वेंज किया क्या इन्होंने। अंदर से तो वैसा ऐसा ही दिख रहा है, वैसा ही है अगर, बस खाली पड़ा है जैसा होना चाहिए था, जैसे सारे मतलब छोड़ के चले गए हो यहाँ से। और ये था माइकल का कमरा। अरे माइकल का बेड कहाँ है भाई? ये क्या हो गया सीन यार, यहाँ पे तो माइकल का बेड होना चाहिए था। बेड का निशान पड़ा है पूरा, बट बेड नहीं है। और देखो वो बुक भी पड़ी है जो कि अमांडा की फेवरेट बुक थी, यहाँ पे हमेशा होती थी, और यहाँ पे शायद वॉशरूम हुआ करता था। अच्छा, ये खिड़की भी बंद कर दी है, खिड़की खुली रहती थी, हम यहाँ से अंदर घुसाते थे। और तुम्हें याद होगा ये सीजेस टूथपेस्ट, ये पहले भी था ईस्टर एग था बेसिकली सीजे का। गैराज में जाते हैं। अच्छा, गैराज तो पूरा खाली पड़ा है, क्या हम यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं? एक मिनट, यहाँ पे ई दबाते हैं। एंड हाउस ओनर बुक कीता बाबा, $5,000 पर डे की कॉस्ट है, रेंट में $10 million की गवर्नमेंट वैल्यू है, गार्डन अवेलेबल है, 9 दिन के लिए पे कर रखा है इसको। मतलब ये घर हम खरीद सकते हैं, बट खरीदने का फायदा क्या अगर ये घर ऐसी खुल जाएगा तो? जो मेन कैरेक्टर का घर है तो आखिर बिक क्यों रहा है? ये तो स्कैम है भाई, स्कैम। लेकिन अगर यार ये घर हमने खरीद लिया ना तो मजा आ जाएगा, लेकिन $10 million की तो स्टेट वैल्यू है, और वो बंदा तो पता नहीं कितने में बेचेगा। अब हम चलते हैं फ्रैंकलिन के नए वाले घर में, और वो काइंड ऑफ यहाँ पे कहीं था शायद। और एक बार हम जाके देखते हैं इस नए वाले घर में कि इसका क्या हाल किया हुआ है, क्या हम ये खरीद सकते हैं, क्या ये घर खुला हुआ है या कैसा है। एंड इस घर को हम नहीं खरीद सकते, यहाँ पे कहीं पे भी ई बना हुआ नहीं आया, और ना ही इस हाउस का कोई नंबर है, बट स्टिल ये खुला हुआ है, हम देख सकते हैं। अरे ये क्या हो रखा भाई घर का, भाई ये चीज क्या, ऐसे फर्नीचर का क्या हालत कर रखी है ये? और ये देख रहे पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे कितनी चीजें पड़ी होती थी। और GTA ऑनलाइन में तो यहाँ पे पता नहीं कितना छा गया था, यहाँ पे बच्चों के खेलने की चीजें आ गई थी भाई, यहाँ पे फ्रैंकलिन के बच्चे अच्छे हो गए थे। अरे चॉप का घर भी गायब है, देख रहे हो तुम, यहाँ पे चॉप का घर हुआ करता था जहाँ पे उसकी आइसक्रीम पड़ी रहती थी। एक बार मैं उसके बेडरूम में जाके देखता हूँ, ठीक है? तो ये है उसका बेडरूम, इसका तो बेड है एटलीस्ट, माइकल का तो हटा के उन्होंने फेंक ही दिया। अब इसका बाथटब बिल्कुल खुले में पड़ा, फ्रैंकलिन खुले में नहाता था। और यहाँ पे देख रहे हो गोली का निशान भी है भाई, यहाँ पे तो अलग ही सीन हो रखा है, गोली का निशान क्यों है यहाँ पर? या तो कोई आके चला के गया उस वजह से होगा। और अब हम चलते हैं ट्रेवर के लोकेशन में। तुम्हें पता है भाई ट्रेवर दूर दराज गाँव में रहता था, मतलब एक बंदे पे इतना पैसा था फिर भी उसे यहीं पे रहना था। रहने को तो वो आलिशान बंगले में भी रह सकता था माइकल की तरह, लेकिन नहीं भाई, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। एंड वी हैव अराइव्ड एट हिज हाउस। तो ये था ट्रेवर का घर, तुम्हें पता ही होगा, मतलब याद ही होगा तुम्हें। यहाँ पे एक बार जाके देखते हैं भाई क्या सीन हो रखा है। एक बार यहाँ पे इसकी पहले पीछे गाड़ी खड़ी हुआ करती थी ना, तो उसका छोटा सा गैराज था, तो ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है, यहाँ पे देख ही रहे हो तुम, यहाँ पे कुछ नहीं है। और एक बार आप अंदर जाके देखते हैं, अंदर जा रहे हैं, गेट खुला है क्या? अरे खुला नहीं है, वॉट, हम ट्रेवर के घर के अंदर नहीं घुस सकते भाई, ये क्या बात हुई? क्यों भाई, ये तो गलत बात है भाई, हम माइकल के घर में घुस गए, फ्रैंकलिन के घर में घुस गए, ट्रेवर के घर में क्यों नहीं घुस पा रहे हम लोग? खोलो भाई खोलो, अंदर बैठा है मुझे लग रहा है वो। ये तो बड़ा ही गलत सीन हो गया, मतलब हम ट्रेवर के घर में घुस नहीं सकते, कोई और एंट्रेंस भी नहीं है, ये तो वैसे ही बंद रहता था। अब तुम्हें शायद याद होगा ट्रेवर ने ना GTA 5 की स्टोरी में एक स्ट्रिप क्लब भी खरीद लिया था, ऐसा करते एक बार वो स्ट्रिप क्लब जाके देखते हैं, क्या पता हमें वहीं पे मिल जाए। और उस स्ट्रिप क्लब की लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक बार जाके देखते हैं कि क्या होता है वनीला यूनिकॉर्न में।
एंड हम लोग आ गए हैं वनीला यूनिकॉर्न पे और बॉस यहाँ पे तो शूटिंग चल रही है। व्हाट द भाई, यहाँ पे तो गैंग्स ने अटैक अटैक कर रखा है। मैं अभी ना कुछ टाइम बाद आता हूँ, तुम पीछे देख ही जाओ, वहाँ पे शूटिंग वूटिंग चल रही है, कहीं सीन ना हो जाए। चलो यहाँ से हम अंदर जाते हैं और अंदर देखें भाई क्या हो रहा है। म्यूजिक तो बच रहा है बट कोई है नहीं, मतलब जिसके लिए हम यहाँ पे आते थे वो चीज तो है नहीं यहाँ पे। समझ रहे हो ना। हाय ट्रेवर, कहाँ है? अपने बॉस से मिलाओ मेरे को। यहाँ पे क्या हम अंदर जा सकते हैं? वेट भी नहीं, यहाँ पे पहले वेट हुआ करता था और यहाँ पे तुम्हें पता ही हम किस लिए आते थे। समझ रहे हो ना। एंड हम आ गए बैक स्टेज में और यहाँ पे होना चाहिए ट्रेवर का ऑफिस, यहीं पे ट्रेवर बैठा होता था, जो कि ये जगह है। एंड ये भी खाली पड़ी है, बट एटलीस्ट ये खुली हुई तो है ना। तुम्हें पता है कि ट्रेवर ने ये जगह खरीद ली थी तो यहाँ का ओनर हो गया था। खरीदी भी क्या थी, ओनर को मार दिया था भाई, इसलिए हो गया था। यहाँ से निकल के होता है भाई। भाई बाहर तो तगड़ी वाली फायरिंग चल रही है, गैंग्स ने तगड़े अटैक कर रखे हैं। चलो अपने को क्या है, अपन तो यहाँ पे मस्ती करने के लिए आए हैं भाई। क्या है दिखा तू, कुछ महंगा दिखा? पानी? अरे नहीं, विटामिन जूस? अरे नहीं भाई। चलो ऐसा करते हैं, इसको खरीद लेते हैं 5। चलो ये हमने खरीद लिया है और अब इसे यूज करते हैं। भाई मुंह में घुसा दी बोतल पूरी, भाई नशे हो गए। एक बार और लेते हैं। अरे भाई एक और लेते हैं भाई, एक और भाई, अब तो चल ही नहीं पाएगा। एक और भाई, 5 ले ले भाई, 5 शॉट्स ले लिए। ओ भाई साहब देख रहे हो, चल भी नहीं पा रहा भाई, बिल्कुल गिर जाएगा ये अभी, मुझे लग रहा है जैसे इसे बाहर लेके जाऊंगा। अरे यहाँ से बाहर नहीं जाना होता भाई, वहां से जाना होता है। चल 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 चल, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं बाइक पे बैठ के लेके चलता हूँ इसे कहीं पे। बाइक चलाते भाई, ड्रिंक एंड ड्राइव करना वैसे ही लीगल होता है बट अरे भाई साहब चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है भाई। कैमरा कैसे झूम रहा है तुम देखो भाई साहब, ये देख लो क्या हो रहा है भाई। चलाने में बड़ी दिक्कतें हो रही है भाई, मैं तो सीधे सीधे चला रहा हूँ, कोई मोड़ भी नहीं रहा, मोड़ूंगा ना भाई पता ही नहीं चलेगा। अरे भाई साहब ठोक दी, देखा अपने लापरवाही का नतीजा। तो यार मुझे लग रहा है अब तो अनप्लेबल सा हो गया करेक्टर, अब देखो इसका नशा कब तक उतरता है। बाकी ये बताओ तुम्हें इस वीडियो में थोड़ा सा मजा आया या नहीं आया? हमने कायो पेरिको आइलैंड भी गए, साथ में माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर इन सबके सेफ हाउसेज एंड घर भी देख लिए। ट्रेवर में तो घुस नहीं पाए बट माइकल और फ्रैंकलिन तो हमने देख लिए अंदर से। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय। और साथ साथ ग्रैंड आरपी भी ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी क्लिक करना, रजिस्टर करो, बिल्कुल फ्री है और सर्वर 2 ज्वाइन करना, बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं इसमें खेलते वक्त।